सत्य प्रकाश। और अब बात करते हैं कवर्धा कांड की, जिसे लेकर आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और तो और इस प्रदर्शन में शिव प्रसाद साहू की बेटियां भी शामिल हुई और इस दौरान कांग्रेस ने कई मांगों को सरकार के सामने रखते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद पहली बार कांग्रेस ने कवर्धा में सबसे बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस विधायक और प्रदेश भर के बड़े नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मामले को लेकर लगातार कांग्रेस आक्रामक है और आज एक बड़ा आंदोलन कवर्धा में किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम भी कांग्रेसियों के द्वारा रखा गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए। कांग्रेसियों के द्वारा लगातार जो है डिप्टी सीएम कार्यालय घेरने की कोशिश की गई और रैली जो है लगातार उनकी आगे बढ़ रही थी। टीम जो लेयर था उसे वो पार नहीं कर पाए, पुलिस की शक्ति के सामने कांग्रेसी वहीं के वहीं रह गए और आखिर शॉप पर लौट गए। इस विरोध प्रदर्शन में लोहाटी घटना में मारे गए शिव प्रसाद साहू की बेटियां भी शामिल हुई। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने अपनी कई मांगे सरकार के सामने रखी। इन मांगों में क्या था वो आपको बताते हैं। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था, लोहाटी मामले में निर्दोष ग्रामीणों की तत्काल रिहाई, ग्रामीण पर बर्बरता करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR और बर्खास्तगी की मांग, मृतक शिव प्रसाद और प्रशांत साहू के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग, लोहाटी मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में नए सिरे से जांच की मांग। कालेश्वरी को इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, 5 लाख का उनको लालच भी दिया गया, लेकिन वास्तव में उस बेटी ने बड़ी हिम्मत के साथ न गृह मंत्री से डरी, न शासन से डरी, न प्रशासन से डरी, अपने पिता की मौत के आगे उस बच्ची का जुनून वास्तव में जो देखने के लायक था। मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा कि इनकी सरकार की नाकामी की वजह से 3 परिवारों की मौत हुई और उसका जिम्मेदार गृह मंत्री। पूरे मामले का अभी भी दबाने की कोशिश हो रही है। चचिरू साहू के परिवार को वो डरा धमका रहे हैं भाजपा लोग भी और पुलिस वाले, और अभी वो बता रही थी कि मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए। मैं DG को पत्र लिखूंगा, इस परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि रोज उसको धमकाने डराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि इसे हाईकोर्ट के देखरेख में SIT गठन हो और फिर से विवेचना हो, ताकि इन लोगों को निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उसको सजा मिले और निरपराध लोग हैं उसको छोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ में विपक्ष सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है और इसमें सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज गृह मंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव किया। देखना होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा कितने एक्टिव होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सतीश तंबोली हमारे साथ कवर्धा से जुड़ गए हैं। सतीश, लगातार कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आई और आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया उसमें कचरू साहू के बच्चों को शामिल किया गया, तमाम मांगे भी कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, साथ ही पुलिस की सुरक्षा की मांग भी कांग्रेस करने वाली है, ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और क्या तमाम मांगे रही और क्या इस प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें रही? ये लोहारीडी कांड को लेकर राजनीति लगातार चल रही है और ये आगे भी चलेगा। जैसे कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज ने कहा कि अभी जो है ये आंदोलन प्रदेश स्तर पर रहेगा और राजनीति लगातार हो रही है। अब बता दूं कि कुछ दिनों पहले गांव के ग्रामीण आए हुए थे, अब वो बोलते हैं कि अब जो इस मामले को लेकर काफी खूब राजनीति हो गई है और राजनीति नहीं, अब उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो है जो निर्दोष है उनके परिजन भी जेल में बंद हैं, सामने दीपावली है और दीपावली के कारण वो चाहते हैं कि निर्देश है वो रिहा कर दिया जाए और परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने चले जाए। वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेसियों का आरोप है कि ये जो BJP का जो है बना बनाया ये काम है, ये जो खेल जो किया जा रहा है
ये बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जो कचरू की बेटी है उसको लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। कचरू की बेटी को लेकर कांग्रेस यह कह रही है कि जो डिप्टी सीएम है उनको उनके बेटी को उनके परिजन को लगातार धमका रही है, डरा रही है, बरगला रही है, लालच दे रही है। वहीं जो है भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेसी जो है वो अच्छी राजनीति कर रही, छोटी बच्ची जो है नाबालिग है जो 14 साल की बच्ची है उसको लेकर वो नाराज वो जो है राजनीति कर रही है। जी बिल्कुल, तो इस पर राजनीति तो देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।